केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दो महीने से दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों ने आज ट्रैक्टर निकाली। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प हुई। कई प्रदर्शनकारी किसान जगह जगह बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के हंगामे और पुलिस को दौड़ाने पर किसान नेताओं ने भी पल्ला झाड़ लिया है। सवाल यही है कि पिछले दो महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को आखिर किसने भड़काया? गणतंत्र दिवस के मौके पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आखिर प्रदर्शनकारियों ने इतना उत्पात कैसे मचाया? एक ऐसा समय भी आया जब सेंट्रल दिल्ली के आरटीओ पर उग्र प्रदर्शनकारियों से घिरे पुलिस कर्मी को किसानों ने रेस्क्यू किया। हालांकि किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता इससे अनजान हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, रैली शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम गाजीपुर पर हैं और यहाँ ट्रैफिक रिलीज कर रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर परेड का समय गणतंत्र दिवस परेड के बाद का तय किया गया था। रैली के दौरान ही दिल्ली में अलग अलग जगहों से किसानों और पुलिस के बीच गतिरोध की खबरें आने लगी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले भी दागे। जगह जगह पुलिस के बैरिकेड तोड़े गए। ब्यूरो रिपोर्ट, वी एस आर एस न्यूज़।